वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है पूरी, वह अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, क्योंकि यह फॉर्म जो है वो 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है या जिसके आधार कार्ड में आप सुधार कराना चाहते हैं उसकी उम्र 18 से कम है, तो उसके लिए 5 से 18 वर्ष वालों फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी वीडियो सभी अपडेट के लिए अपलोडेड हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी या केवल मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। देखिए, अभी हम अपने आधार में सुधार करा रहे हैं, ये वाला ऑप्शन जो रहता है इनरोलमेंट, ये नया आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए रहता है। और ये जो ऑप्शन रहता है ये आधार में सुधार कराने वालों के लिए रहते हैं। तो हम आधार में सुधार करेंगे, इसलिए आप यहाँ पर सुधार पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है रेसिडेंट इंडियन। अगर आप भारतीय निवासी हैं तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप भारतीय निवासी नहीं हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, उसके लिए आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या केवल मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहता हूँ, उसके लिए यहाँ पर आपको सेम आधार वाला नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया है। अब हम ये वाला बी ऑप्शन छोड़ देंगे, सी ऑप्शन छोड़ देंगे, हमें आ जाना डी पे। अगर आप अपने आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो इसे फिल करें, नहीं कराना चाहते हैं तो आप खाली छोड़ दें। तो हम इसे फिल कराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे फिल कराना चाहते हैं, तो हमने ईमेल आईडी लिख दी है। मोबाइल नंबर आपको फिल करना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कराएंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं देते हैं तो आपका आधार डाउनलोड नहीं होगा। तो फिलहाल को हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। आपको वह मोबाइल नंबर लिखना है जो आप आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं, आपको पुराना मोबाइल नंबर इसमें नहीं लिखना है। कुछ लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि मोबाइल नंबर कौन सा लिखना है, तो आपको नया मोबाइल नंबर, नया मतलब जो तुम आधार कार्ड में रखना चाहते हो वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। पुराने मोबाइल नंबर से इस फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए, 4 नंबर ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है, 5 नंबर ऑप्शन बिल्कुल खाली छोड़ देना है। 5 नंबर का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या नाम के साथ साथ या किसी भी अपडेट के साथ साथ एड्रेस सही कराना चाहते हैं, तो इस 5 नंबर के ऑप्शन को फिल करेंगे। अगर वो एड्रेस सही नहीं कराना चाहते, केवल मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको जहां पर चलना है बी पर। बी भी उनके लिए है जो सुधार कराते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। मान लें नाम सुधार कराते हैं तो डॉक्यूमेंट देना होगा, पता सुधार कराते हैं तो डॉक्यूमेंट देना होगा। आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करा रहे हैं, इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना नहीं होता है, इसे भी आप खाली छोड़ देंगे। 6 नंबर को आप खाली छोड़ देंगे, 7 नंबर आपके लिए जरूरी है। जिस आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं वह मोबाइल नंबर आप यहाँ पर वह आधार कार्ड सॉरी जिस आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं वह आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मोबाइल नंबर जिस आधार में अपडेट होगा वह आधार नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ आधार नंबर एग्जाम्पल के तौर पर जो भी आधार आपका है वह यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर लिख दिया। अब हमने बताया कि हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, अगर साथ साथ में ईमेल आईडी भी अपडेट कराना चाहते हैं तो आप ईमेल पर भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि ईमेल पर भी नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलने के बाद आपके सामने यह ऑप्शन आएगा। यह ऑप्शन जो रहता है आधार कार्ड जो अंदर ऑपरेटर बैठे हुए बना रहे हैं उनके लिए होता है। अगर वे अपने आधार में मतलब अगर वो उनके पास स्टैंप मोहर होती है तो वो यहाँ पर मोहर लगाएंगे। स्टैंप जो रहती है सील भी बोलते हैं। अगर उनके पास सील या स्टैंप नहीं है तो आप वो है यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। और उसके बाद जिसके आधार कार्ड में सुधार हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वह है यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। और डेट और टाइम जब स्लिप जनरेट होती है वह डेट और टाइम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके लिए ऑपरेटर भी लिख देंगे। क्योंकि जब भी कोई आधार बनता है या अपडेट होता है उसके लिए स्लिप पर एनरोलमेंट नंबर और उस डेट और टाइम रहता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट का सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप अपने आधार कार्ड में फोटो और फिंगर या बायोमेट्रिक या उंगलियां कैसे
अपडेट कराने के लिए फॉर्म को कैसे फिल करेंगी। अगर आपकी इस फॉर्म से कोई संबंधी है, क्वेरी है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।